Assalamu alaikum and welcome back to Orange Shorts. First of all, thankfully, my studio has been painted and I am in my studio right now. So that's a good thing. और आज की इस वीडियो बनाने की एक खास वजह है कि मैं अपनी अगली वीडियो हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बनाना चाह रहा हूँ और मैं चाह ये रहा हूँ कि उस वीडियो को बनाने से पहले हमारे पास कुछ ना कुछ पर्सपेक्टिव हो जिसके बारे में सोचकर समझकर हम अपनी अगली वीडियो को समझ सकें। आज जब हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी है, एटॉमिक पावर हाउसेज हैं, वी डू नॉट रियली थिंक मच अबाउट द एटॉमिक रिएक्शन, फिजन और फ्यूजन। लेकिन एक ज़माना ऐसा था कि जब फ्यूजन रिएक्शन को, फिशन रिएक्शन को साइंटिस्ट्स ये समझते थे कि शायद ये न्यूक्लियर पावर हम कभी भी हार्नेस नहीं कर पाएंगे। रॉबर्ट मिलिकन ने 1928 में कहा था कि ऐसा कोई इम्कान मौजूद नहीं है कि जिसको बुनियाद बनाकर हम एटम की पावर को हार्नेस कर सकें। और साथ ही साथ उनका कहना यह भी था कि आपका ये फ़र्ज करना कि हम एटॉमिक पावर को यूटिलाइज कर सकेंगे जब हमारे कोल और बाकी रिसोर्सेज की एनर्जी रन आउट हो जाएगी, इट्स लाइक एन अनसाइंटिफिक यूटोपियन ड्रीम। और रदरफोर्ड ने 1933 में ये कहा था कि हर वो इंसान जो कि ये समझता है कि एटम की इस पावर को हार्नेस करके हम इसको अपने लिए एक एनर्जी का जरिया बना लेंगे, ही इज टॉकिंग अबाउट अ मूनशाइन। अब आप लोग जनाब ये सोच सकते हैं कि इतने बड़े बड़े साइंसदानों ने इस किस्म के बयान क्यों दिए, व्हाई डिड दे से ऑल ऑफ दैट? तो जनाब उनके इस पैसिमिज्म की खास वजह है कि जब बैकरेल ने फर्स्ट टाइम रेडियो एक्टिविटी को दरियाफ्त किया था तो उनका ख्याल ये था कि रेडियो एक्टिविटी फॉस्फोरेसेंस की तरह का एक और फिनोमेना है। फॉस्फोरेसेंस में होता क्या है कि सनलाइट रेज, लाइट, किसी भी किस्म की चीज़, किसी भी किस्म की रोशनी किसी भी शय के ऊपर जब पड़ती है तो वो शय उसको रोशनी को एब्जॉर्ब करती है और उसके बाद उसको रीरेडिएट करती है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज फॉस्फोरेसेंस। और साइंटिस्ट्स का बहुत अरसे तक ख्याल यही रहा, खासतौर पर बैकरेल का जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर की थी, कि रेडियो एक्टिविटी इज़ वेरी सिमिलर टू फॉस्फोरेसेंस। नाउ यूरेनियम ओर एग्जैक्टली यही काम करती थी। अगर आप इस वीडियो में देखें तो यूरेनियम ओर के ऊपर जब यूवी लाइट शाइन की जाती है तो उसको दोबारा रीरेडिएट करती है विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम में। ओह या, हेक यस, फ्लोरेसेंट यूरेनियम ओर। या, विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम याद रखिएगा, वो स्पेक्ट्रम होता है, उस रोशनी का स्पेक्ट्रम होता है जिसको हम देख सकते हैं, और यूवी लाइट उस स्पेक्ट्रम में लाई करती है जिस रोशनी को हम नहीं देख सकते। 1896 में बैकरेल ने ये एक्सपेरिमेंट्स किए कि वो एक्जैक्टली यूरेनियम ओर को क्या करते थे, फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर जो कि ऑलरेडी रैप अप हुई होती थी, खुली भी नहीं होती थी, उसके टॉप के ऊपर यूरेनियम को रखते थे, उसको सनलाइट में एक्सपोज करते थे, उसके बाद जब उस पेपर को डेवलप करते थे तो डिस्पाइट द फैक्ट कि आपका वो फोटोग्राफिक पेपर पूरा का पूरा रैप्ड अप था, यूरेनियम का पूरा इमेज बन जाता था फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर। लेकिन एक दिन जनाब क्या हुआ कि पेरिस का मौसम कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था, बादल छाए हुए थे, बारिश हो रही थी, और बैकरेल साहब ने यह किया कि उन्होंने यूरेनियम की इस ओर को, इस पत्थर को अपनी फोटोग्राफिक फिल्म के साथ उठाकर दराज में रख दिया। अब अगर ये चीज़ फॉस्फोरस थी तो इसको ज़ाहरी बात रोशनी की ज़रूरत थी और उसके बाद फोटोग्राफिक फिल्म एक्सपोज होती। लेकिन फिर बगैर किसी वजह के उन्होंने क्या किया कि जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उन्होंने इस फोटोग्राफिक फिल्म को अपनी दराज से निकाला और इसको डेवलप किया, एंड टू हिज सरप्राइज फोटोग्राफिक फिल्म एक्सपोज हो चुकी थी। अब आप इस पूरे के पूरे फिनोमेना के ऊपर गौर करें, अगर ये फॉस्फोरेसेंस होती तो इसको एक एनर्जी का सोर्स चाहिए था, लाइट का सोर्स चाहिए था जहाँ से ये लाइट एब्जॉर्ब करे और उसके बाद इसको रीरेडिएट करे ताकि वो फोटोग्राफिक फिल्म डेवलप हो। लेकिन अब जब दराज के अंदर ये रखा हुआ था यूरेनियम का पीस फोटोग्राफिक फिल्म के टॉप के ऊपर और इसने फोटोग्राफिक फिल्म को एक्सपोज किया तो कैसे, हाउ? किसी किस्म की एनर्जी चाहिए ना जो कि एटम से एमिट हो रही हो और फोटोग्राफिक फिल्म को एक्सपोज कर रही हो। बट द प्रॉब्लम वॉज नोबडी वॉज नोइंग कि कहाँ से ये एनर्जी आ रही है जो कि एटम्स को एक्साइट कर रही है और एटम्स इस एनर्जी को क्यों एमिट कर रहे हैं जो कि फोटोग्राफिक फिल्म को एक्सपोज कर रही है। और अगर हम थोड़ी देर के लिए फ़र्ज कर भी लें कि वो रॉक खुद ब खुद एनर्जी को एमिट कर रही है तो इसने वो एनर्जी हासिल कहाँ से की? सीमिंगली ये रॉक यूरेनियम की थी, इट वॉज वायोलेटिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और ये पूरी की पूरी कहानी एक एनिग्मा, एक मोयमा बनी रहती है जब तक आइंस्टाइन अपनी थ्योरी E=mc² दुनिया के सामने पेश नहीं करते। अब ये जब थ्योरी पेश हो गई तो देन देयर कैन बी अ रीजन कि एक मास है एटम का जो कि कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में, वो एनर्जी रेडिएट हो रही है और वो रेडिएशन फोटोग्राफिक फिल्म को एक्सपोज कर रही है। नाउ अगेन इट इज स्टिल कॉल्ड अ थ्योरी बिकॉज एक थ्योरी के लिए क्या होता है, थ्योरी के लिए आपको इक्वेशन की दोनों साइड्स प्रूव होनी चाहिए। E=mc², व्हाट इट सेज इज बेसिकली कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास एंड मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। इस पूरी की पूरी थ्योरी में कांस्टेंट आपका c² है यानी कि स्पीड ऑफ लाइट। अगर हम इस कांस्टेंट को हटा दें तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m यानी कि E कैन बी कन्वर्टेड टू मास एंड मास कैन बी कन्वर्टेड टू एनर्जी। नाउ विद द प्रेजेंटेशन ऑफ दिस थ्योरी इट सीम क्वाइट प्लॉजिबल। अब ऐसा लग रहा था कि एटम अगर कुछ ना कुछ एनर्जी रेडिएट कर रहा हो किसी भी वजह से तो वो फोटोग्राफिक फिल्म को एक्सपोज कर सकती है। इस थ्योरी का दूसरा मतलब ये भी है कि अगर स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी टाइनी पार्ट ऑफ एटम को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए तो इट कैन रिलीज अ लॉट एंड लॉट ऑफ एनर्जी।
मैस को एनर्जी में कन्वर्ट करने के काबिल हो चुके हैं, दैट इज द एटम बॉम्ब एंड योर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, बट वी हैव नॉट बीन एबल टू कन्वर्ट एनर्जी बैक टू द मैस. अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दोज कैलकुलेशंस एंड दोज स्पेकुलेशंस कि अगर हम एटम से एनर्जी रिलीज करें तो वो एनर्जी कितनी ज्यादा होगी, आपको ये बात भी जहन में रख लेना चाहिए कि उस वक्त तक न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था. उस वक्त तक साइंटिस्ट जिस पार्टिकल को इस्तेमाल करते थे एटम को एक्साइट करने के लिए, दैट वाज अल्फा पार्टिकल, यानी कि प्रोटॉन. प्रॉब्लम विद द प्रोटॉन इज कि आपके एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं. व्हेन यू फायर अ प्रोटॉन टू एन एटम तो आपके न्यूक्लियस के अंदर इट रिपेल्स. जैसे ही रिपेल होगा प्रोटॉन वापस आ जाएगा. यू हैव टू हैव इमेंस पावर एंड इमेंस फोर्स बिहाइंड अ प्रोटॉन to actually strike a nucleus and destabilize it. But then the neutrons were discovered. I mean, neutron, that is a neutrally charged particle. Na to wo positive uske andar charge hai, na uske andar negative charge hai. And it seemed quite innocent. But then the neutron is the one that actually caused the nuclear physics to develop. दूसरी चीज़ें इसी तकरीबन शुरू हो चुकी थी और उस वक्त तक साइंटिस्ट ऑलरेडी इस बात पर काम करना शुरू कर चुके थे कि अगर हम किसी तरीके से एटम को स्प्लिट कर पाएं तो एटम से जितनी एनर्जी रिलीज होगी दैट कैन रियली प्रोड्यूस अ वेरी वेरी डेडली वेपन. ऐसे में एक साइंटिस्ट थे, नाम था उनका ज़िलार्ड. ज़िलार्ड के जहन में ये बात आई कि अगर हम न्यूट्रॉन का इस्तेमाल करें और न्यूट्रॉन किसी भी तरीके से अगर एटम के न्यूक्लियस के अंदर चला जाए तो होगा क्या कि न्यूक्लियस का मास जो है वो अनस्टेबलाइज हो जाएगा और एज अ रिजल्ट वो दो न्यूट्रॉन्स उसमें से निकालने के काबिल हो जाए, वो दो मजीद दो को हिट करें और इस तरीके से एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाए, अ वेपन कैन बी मेड. एंड ऑल ऑफ दिस थ्योरी, दिस सपोजिशन, दिस थिंग लेड टू द मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जहां पे आपका लिटिल बॉय पहला एटम बम दुनिया का क्रिएट किया गया. एंड देन दैट एटम बॉम वॉज द वन दैट वॉज ड्रॉप्ड ऑन जापान. बट इन केस ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इट्स एन अनकंट्रोल्ड रिएक्शन. आपने खाली एक एटम को एक्साइट करना है, वो आगे से चेन रिएक्शन स्टार्ट करेगा. यू लेट इट रन वाइल्ड एंड इट विल कॉज हैवक एंड इट विल कॉज डिस्ट्रक्शन ऑल ओवर जहां पे आप इसको ड्रॉप करेंगे. बट देन साइंटिस्ट आल्सो थॉट दैट व्हाई नॉट टू यूज दिस एनर्जी फॉर बेनिफिशियल पर्पसेस ऑफ एवरीवन. हम क्यों ना अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाए जहां से पावर जनरेट हो, एनर्जी जनरेट हो. आप करते क्या है कि वहां पे कंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन करते हैं. जब आप एक न्यूक्लियस को एक्साइट करते हैं तो समटाइम्स टू एंड हाफ न्यूट्रॉन्स इन थ्योरी वो न्यूक्लियस एमिट करते हैं. एक न्यूक्लियर पावर प्लांट से एनर्जी पैदा करना बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे आप किसी चीज को चाकू की नोक के ऊपर बैलेंस करना चाह रहे हो. आपने न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करना है. इफ यू एब्जॉर्ब टू मच न्यूट्रॉन्स योर रिएक्शन डाइज, आपका चेन रिएक्शन खत्म हो जाएगा, आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट शट डाउन हो जाएगा. इफ यू लेट इट रन वाइल्ड देन नेसेसरली यू आर टर्निंग योर न्यूक्लियर पावर प्लांट इनटू एन एटॉमिक बॉम्ब, चेर्नोबिल इफ यू मे से दैट. सो व्हाट टर्न्स आउट माय फ्रेंड्स इज दैट न्यूट्रॉन, अ सीमिंगली वेरी हार्मलेस पार्टिकल, बेजरर किस्म का, किसी को ना नुकसान पहुंचाने वाला, ना पॉजिटिवली चार्ज ना नेगेटिवली चार्ज, दैट इज द हीरो और इन केस ऑफ एटॉमिक बॉम्ब द विलन ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स. और उम्मीद मैं आज ये करता हूँ कि आप में से वो लोग जो कि न्यूक्लियर फिजिक्स से ज़्यादा आशना नहीं हैं, उनको कुछ ना कुछ आगाही ज़रूर मिली होगी, उनको कुछ ना कुछ पता ज़रूर चला होगा. और साथ ही साथ आपको ये भी पता चला होगा कि एटम बॉम्ब जिसके बारे में आज हम बिल्कुल कैजुअली बात करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स जिनके बारे में हम कैजुअली बात करते हैं, हमारे घर में बिजली न्यूक्लियर रिएक्टर्स की मदद से आ रही होती है, ये सब हमेशा से ऐसा नहीं था. साइंस वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ स्टेजेस टू डिवेलप द न्यूक्लियर फिजिक्स. And at the same time, it is used for both the purposes, constructive as well as destructive. तो जनाब ये थी आज की वीडियो. अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा. With tons of love to my Orange Shorts family and to be Orange Shorts family, this is me, Zahid Nisar. You are watching Orange Shorts. Allah Hafiz.